सो गाइस एयरपोर्ट पहुंच गए और फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू माय बडीज। गुड मॉर्निंग चीटर्स, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। जैसा वो कहे ना, हाय बेस्टीज, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने का नाम कुछ रख लूँ यार, हाय कपीटर्स या फिर हाय बदमाश, कुछ ऐसा सा मैं सोच रहा हूँ यार करने का। सो गुड मॉर्निंग चीटर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन बहुत सुहाना है टॉयलैंड में। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं भाई जी वैगन पाई अपने को, जो कि नहीं बताऊँगा मैं, नज़र लग जाएगी पहले, है ना। पर कुछ इसी टाइप का मिल गया अपने को, है ना, टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी से रिलेटेड, तो उधर जा रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा भाई। मुझे लगा ये जो डिलीवरी वाला भाई है ना, इसने सिस्टम की हुडी पहन रखी, मैंने कि हमें ना मिली, इसे कैसे मिल गई? और भाई सिस्टम की हुडीज आप मेरे पास सेफ है यार, डोंट वरी गाइस, बढ़िया क्वालिटी में बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगी। एक बार मैं जरा आगे जाके वो बैठा दूँ, कार्रवाई। आज तो पुलिस के नाके लग रहे हैं बहुत सारे नाके लग रहे हैं गाइस। एक बार मैं जरा पकड़ में आ जाऊँ, रुको। ना जाने के करते थे वादे, तब से इंतजार। तीन शिकारी लोमड़ी निकल ली है जी वैगन के शिकार पे, एच आर नंबर की जी वैगन के चक्कर में निकल पड़ी है। आगा फोन आगा जी वैगन का ही, पूछो क्या कह रही है। हेलो, मैं निकल गया भैया, वही जी वैगन जहाँ बोली थी। ओह यस, समझ गया ना तुम, वहाँ का अब तो रह गया। राम का नाम लेकर निकल लिए, मिल जाओ तो बढ़िया, ना तो बाइक ही ले लूँगा, मर्सिडीज खोस लूँगा जो पीछे भाई है। भाई आप अपनी बाइक के पास वो है मर्सिडीज GLE 53 AMG, भाई उसमें क्या करवाओगे अब? उसमें भी यार रैप होगी वो गाड़ी, पाँच छह पेटी लग जाएगी, 2 करोड़ बराबर की होगी गाड़ी अब तो। चलो वो ना मिली तो खोस लूंगा गाड़ी में। भाई वापस आ गए भाई जी वैगन के वहां से, और जी वैगन पता भाई मिली नहीं यार, कह रहे आई नहीं, जाओ। फिर वहां पे खड़ी थी एक पोर्स खड़ी थी, और वो खड़ी थी बेंटले खड़ी थी, हाँ सही है भाई, ये बेंटले खड़ी थी, बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी। फिर हमने उसको बोला कि इनको अपने अंदर दे ले भाई, नहीं है जी वैगन तो। भाई जी वैगन नहीं मिली, कोई बात नहीं, आज अपने कल दुबई निकल जाना सुबह, तो 9 बजे की फ्लाइट है, तो आजकल ये हो गया है शेड्यूल कि सुबह 4 बजे पहुँचना पड़ेगा, 4-5 घंटे पहले, इतना पहले पहुँचना पड़ता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। तो भाई कल मेरी 9 बजे की फ्लाइट है, तो मेरे को 4 बजे एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा। पहुँच जाएंगे भाई, एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे दुबई में, देख आएंगे कुछ मिलता हो तो जी वैगन वैगन हांडी आएंगे, देख आएंगे कैसी दिखे सामने। सच बताऊं मैं मजाक कर रहा था, यो देखो मर्सिडीज वालों ने मेरे को दिया खाली डिब्बा है, अनु कह रहा जब आवे ना इसमें चाबी धर लियो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जब आएगी अपनी जी वैगन की चाबी इसमें धरी जाएगी, ठीक है भाई। क्या ढूंढ रहे हो तुम, पहले ये बताओ तुम ढूंढ क्या रहे हो भाई? मेरे को गुम हो गई थी घड़ी। और भाई तुम्हारा कुछ इसको सपोर्ट दे रहा, वोट करोगे इसको फिर सपोर्ट करो। लो भाई दुबई की पैकिंग शुरू, मोटा के क्या धर दिया, फिर वहाँ गर्मी है उस हिसाब से रखियो, ठंड ना वहाँ पे 23-24 डिग्री बता रहे, या फिर 31 डिग्री जावे। एक तो पक्का कंफर्म कर ले तू, कंफर्म है, अरे गर्मी है दुबई में तेरी कसम, गोवा से भी गर्मी है भाई। हाँ और क्या लाना तेरे वहाँ एक चेन लिए मोटी सी, उसमें लॉकेट बड़ा सा लॉकेट। अच्छा और बस और कुछ है ना, इसी यही काफी का जाओगा। अरे महंगी चीज मांगी इतनी, इतना ना ला सके, वहाँ देख भाई सीला जीत छुटपुट छुटपुट बोल अच्छी ना। मैं कह रहा हूँ क्या दर्दी है इसमें, लोअर दर्दी है, वहाँ लोअर टी शर्ट में डोलेगा, और बाकी एक बैग वहाँ से खरीदूंगा जिसमें मैं शॉपिंग करके लाऊंगा। बैग बेटा हमारे पास है तो उसी में ले जाना, उसी में सामान रख ले। छोटा हो वैसे, 2 खाली ले जाऊँ उसने, या फिर 2 में आप बांट दोगे? अरे जो बड़े वाला बैग है उसमें ले जा, उसी ने सामान का भर ले। एक काम करते हैं रुको, ये छोटा है, एक इसे दे दो। हाँ। और आधा इसका सामान ना बड़े वाले, मैं 2 लगेज लेके चला जाता हूँ। देख कौन सा लगेज, एक बार देख। बाय वाह, स्वागत है गाइस हमारे नए फोन का। मैं कह रहा हूँ मोटे इसका मारियो 4-5 क्या कर दिया इसने, मार यार ऐसे ही मम्मी मार ना सके ना, तो तेने छेद देगी मम्मी। क्या हो गया करके दिया इसने, इसने वो हो गया सेक्सी बनने का, इसे अवार्ड मिल गया। ये ओवर सेक्सी है भाई, ठंड हो रही बात बहुत तेज, सही है ना। और जब मैं दोपहर में भी ठंड हो रही थी मम्मा, आज पता लगना रही किसी का, देखो किसका आगा।
यो कौन है जय भाई? कन्या जीवन लग रही है हमारी भाई, वाह बहुत तगड़ी कन्या जीवन रही है। ये हम रख लिए दिरम, ये ऐसा होता दिरम, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। दुबई में ये वाले नोट चलते हैं गाइस, देख लो ठीक है। एक नोट दिखाना, झूठे हाथ से लक्ष्मी नहीं छूते। इस लड़के को इसके साथ हाय कर रहा है, इसने नहीं पता मेरा पासपोर्ट कहाँ। पासपोर्ट कहाँ है मुझे क्या पता। पासपोर्ट दे, पासपोर्ट दे भाई मोटे। जब तो हाय हाय उस फोन पे तो मचा रखी तेरे नोनी, अपने सामान में रख लूं ढंग से। सामान भाई अपना एक लगेज हो, एक लगेज हो ठीक है। ओके ये ले दिरहम, देख लो गाइस दिरहम देख लो भाई। दो बैग रेडी, एक मेरा बैलेंसिया वाला रेडी, और कपड़े कपड़े पहले। वहाँ पे गर्मी है बट यहाँ पे एयरपोर्ट पे तो ठंडा है, इसलिए मैंने अपना ये पहन लिया। अंदर हुडी उतार दूंगा गाड़ी में जब मैं जाऊँगा, और हुडी उतार के, ये वाली उतार के जाऊँगा मैं जब तुम छोड़ जाओगे ठीक है। ब्लैक हुडी भी रख दी मैंने। ठीक है मोटे, चले मेरा भाई सिस्टम है, चलो चले चले भाई आओ छोड़ के। ओके मोटू, ओके भाई मोटू तेरे पैर पकड़ लिया हमने ठीक भाई। है आठ दिन कैसा रहेगा तुम्हें, तो दूर रह लेगा यहाँ पे। बाय बाय कह दे सब, सब धर लिया। पासपोर्ट, टिकट, आईडी, पैसा, मुंह पे जो लगा एक मास्क, मास्क और क्रीम व्रीम सब चीज है ना, ब्रश व्रश सब है ना मेरी, फेस वॉश जो होटलों में तो चुरा के लाऊं मैं ठीक है। हाँ ब्लैक कलर के उसमें वो छेड़ रहा था। हाँ भाई मेरे को तो पता नहीं पर मुझे तो पता है भाई। We live by gun, we die by gun। मैं कह रहा हूँ रेडी हो ना मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। हाँ भाई एयरपोर्ट ही छोड़ सकते हम तो, और तो क्या ही है। दुबई चलोगे? तेरा पासपोर्ट है तेरे पे? हैगा। पासपोर्ट है? हैगा। तो चला क्यों नहीं फिर दुबई? मैं टिकट ही ना करा किसी में भाई, देखो कुछ लिया आया भाई, ये कोई चाबी मार का मारी गाड़ी पे। वाह 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 वाह, कौन है ये मेरे हेटर जो मेरे से इतना प्यार करते हैं मेरी गाड़ियों के लिए। देख इन्हें ना पता मैं रैप करवा के इसने हटवा लूँगा भाई। AW का टाइम आ गया गाइस, गाड़ी भूखी मर रही है। जो ये AW की बाल्टी भाई गाल दो इसने, ना खोला जा रहा ना भी खोलो, ना खोलूँ खोल दिया ले आराम से। नीचे दे नीचे भाई, और देख जरा बाबा भाई, तो थोड़े न्यूबीज है न्यूबीज भाई। इसमें वो लगेगी फनल वनल है कोई? ये डलेगा कैसे, ऐसे थोड़ी डलेगा ये फनल फनल है चल जाएगा। ना 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 ना, वो जो उसका इतना सा आता है वो उससे डलेगा ये। भाई सिस्टम खोल दिया इन्हें तो भाई, सिस्टम हैंग कर दिया ये वगैरह का पीछे लग का बिशू सो जाओ आप। ले भाई खुल गई शाबाश, कर दो भाई सिस्टम। अरे ले भाई खुल का बैठ दो, ये सारी चीज हमारे अर्चित भाई जी बताएंगे। हसो मत भाई कदे बिगर जाओ वो देख लो ला अकेला आदमी आता हिल रहे भाई। हमारे अर्चित बाबा कुछ बता रहे भाई जी, बताओ जी अपना क्वेश्चन तो पुट अप करो पहले। भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम हमको पब्लिक चाहती है, तो हमारे अंदर ऐसा क्या है जो पब्लिक हमें चाहती है? हमें वही स्किल्स है ना, वीडियो बना लेगी, व्लॉग हो गया, वाइंस होगी, तो इसमें तो हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे भाई, हम तो सिर्फ अपने आप को दिखा रहे हैं। अब जैसे कोई गाना लिख रहा है वो भी कहेगा मैं तो गाना गा रहा हूं, बस गाना लिखना, गाना गाना इज एन आर्ट। मेरी आर्ट क्या है या फिर हमारी आर्ट क्या है? कंटेंट क्रिएटर इज एन आर्ट। इसे ये कह रहा कि अपनी झोली हमेशा खाली लगती है,
अपनी जोली वाली लगती है ये तो है यार क्या कर रहा है सिंगर सिंगर को पूछ लो भाई इतना तो कुछ कर ही नहीं रहा इतनी जन तो है नौकरी वो वाली बात है ना। चलो जो भी हो बाकी भाई आज मेरी गाड़ी पे बोनेट पे किसी ने चाबी मार दी या फिर पत्थर मार दिया आई डोंट नो उस जिसने मारी है ना जिसने मारी मैं तो बहुत खुश हूँ मारो कोई दिक्कत नहीं उसे नू ना पता कि भगवान की दया है इतना रुपया छाप लिया मैंने कोई फर्क ना पड़ा ये सिर्फ हेटर्स के लिए है जो मेरे चाहने वाले हैं ना वे तो खुश होंगे जो मेरे दिल से चाहे ना वे तो नू चाहेंगे एलिस भाई तुम 10 गाड़ी और ले लो पर उसके एक के लिए जिसने मेरी चाबी मारी है ना मगर एक स्क्रैच से मेरे थोड़ी फर्क पड़ा है एक बारी को बस नू मैं चल कोई नहीं मगर हम 2.5 करोड़ रुपए जेब में लेकर डोल रहे जीव के लिए मारा इसका सर थोड़ी पड़ेगा फिर भी मार ले भैया कल भी आकर मार जियो पर जिस दिन कैमरा फिट कर दिया ना मैंने उस दिन साले ढालूंगा घर तई और मुझे पता भी कौन हो सका है वो तो इससे ये तो मैं इतनी नीच हरकतों पर मत उतरवाओ मेरे को कि मैं पर्सनल लेवल पर उतर के किसी घर में पढ़ के किसी की जात जोतूं अच्छा नहीं लगता मेरे को ये छोटे काम करने की भाई मार पिटाई है स्क्रैच के ऊपर तो आगे से भाई सावधान और वार्निंग के साथ ना तो जिस दिन पकड़ लिया ना भगवान कसम एक कमरा मेरे प्लाट में 2.5 दिन तक बंद कर दूंगा ना बेरा ना पाटा घर वाले ने कहाँ गया ओके भाई गाइस सामने का कुछ दिख रहा आप लोगों को है नहीं दिख रहा ना मुझे दिख रहा सब कुछ भाई 0 विजिबिलिटी बाहर 7 डिग्री टेम्परेचर और हम लोग निकल चुके 2 बजे मतलब 2 बजे अब एक बार 24/7 जा रहे हैं उसके बाद 3 बजे और भाई रे ब्रेकर भी आएगा भाई आगे ध्यान से अरे यार वो कद आएगा समझ ना आए आएगा तो अभी पर भाई ब्रेकर देखो क्या पता हम पहचान पाए ब्रेक भाई अभी तो राइट में जाके लाइट नहीं है वहाँ पे इस पे तो लाइट ही नहीं है स्ट्रीट लाइट पब्लिक को लग रहा है वो दिख तो रहा भाई कुछ नहीं दिख रहा माँ का सब मेरी नजरों से पूछो भाई ब्रेकर आएगा चेक करियो लक्ष्य कहाँ है ए यहीं आने वाला होगा मेरे हिसाब से अभी भाई बहुत गलत वो है विजिबिलिटी क्या है संकेत तो नहीं है हमें दुबई भी जाने से रोक रही भाई फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद हम लोग पहुंच गए चायोस चायोस में पियेंगे अब चाय और मुंह पे तो सही चमक आ रही है यार भस्म का असर तो हो रहा है देखो हो रहा ना भाई अब 20 मिनट का टाइम है 20 मिनट में चाय पी के और अपने निकल जाएंगे एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे 5 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है 4 घंटे डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 5 घंटे इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए पहुँचती के साथ सारी जो जो प्रोसीजर होगा इमिग्रेशन विमिग्रेशन सारी चीज़ तुम्हें शेयर करूँगा और उसके बाद ब्लॉग को ख़त्म कर दूँगा तब एयरपोर्ट पर घुसते ही ब्लॉग ख़त्म करूँगा या फिर देखते हैं है भाई अपनी बुआ के कपड़े लाया फ्री के ना भाई दाढ़ी वाड़ी सेट करवा गया दुबई के लिए भाई कल जाते स्काई डाइविंग कर देंगे यार कल स्काई डाइविंग है क्या कल नहीं है यार परसों है पर जो कल नहीं है यार एक दिन तो जू जाएंगे अहमद वाला जू है जो भाई मो भाई आ रहे हैं मो भाई मो भाई आ रहे हैं बताओ ना मो भाई से कहनी पड़ेगी मो भाई आ रहा तू चलो कैमरा बंद होने के बाद एक बार बताऊंगा मो भाई के बारे में नुकरा जबरदस्ती चेप हो जाओ हाँ भाई दुबई जा रहे हैं उनका होस्ट करने का मौका तो दे मैं चेप हो जाओ सबके वहाँ पे जितने बड़े बड़े आदमी है सबके चेप हो जाओ भाई मो भाई यार आएंगे गुड़गांव में मैं तो मोस्ट ना करेंगे कि उन्हें नु बताओ अपनी फॉर्च्यूनर में को डुलाओगे कि वो भाई आए थे तब करा मार्च में मैसेज ना करा कटा कर अपने दोरे मैसेज करा हो तो बताओ आपका बंदा है ना करना होस्ट भाई थार में घुमा देता मो का पूरा नाम पता क्या है मोहम्मद मो कटारिया इनके घरों में लगे इसकी जो तीसरी मम्मी है ना उसका चौथा वंशज है उसका चौथा वंशज है इसकी तीसरी मम्मी का और इसके जो 12 पापा इसके टोटल ये अर्चित कितने पापा के बोल रहा है तू बड़े भाई से बोल रहा अर्चित के 13 पापा हैं 13 मैं भाई गोल्ड डिगर बिचीज आ चुकी हैं जी BMW में बैठ के गाड़ी बदल गई है हैं भाई चंदू सेठ कितनी देर में पहुंचा दोगे भाई हमें 15-20 मिनट में भाई इतने कोहरे में मैं तो कह रहा हूं थोड़ी आराम से चला गाड़ी वैसे स्लो ही चल रही है ना बट फिर भी थोड़ा और स्लो कर लेते तो और मजा आ जाता 0 विजिबिलिटी हाईवे पे चढ़ने में बस 30 सेकंड से भी कम और सीधा T3 पे टक्कर मार के अपने भाई फ्लाइट पकड़ेंगे 9 बजे की फ्लाइट है 5 घंटे पहले पहुँचा रहे गाना कौन सा चल रहा था जो भी चल रहा था भाई थोड़ा गलत ही चल रहा वो भेजा रहे खप्पी टपड़क पीछे आ रही है अपनी दूसरी गाड़ी है योरी चमचमाती आ रही पहुँच के और बस किसी तरह भगवान की दया था मैं तो हनुमान जी का वो कर रहा हूँ जाप कर रहा हूँ कि हमने किसी तरह पहुँचा दो बस आराम से और गाड़ी भाई आराम तो बिल्कुल देख राइट और गाड़ी में एक वो फक भाई खत्म 0 विजिट दिखाऊं इस साइड में तो दिख रहा होगा तुम्हें क्या हाल है आगे का देखो कि पागल हो जाओगे इसलिए दिखाई चलो देख लो अगर ये लाइटें ना जल रही हो ना इनकी गाड़ियों की तो पता ना चल रहा आगे क्या भाई आगे मेरे हिसाब से कहीं डिवाइडर भी होगा लेफ्ट जाने के लिए तो हमने सीधा जाना है थोड़ा ध्यान से चलना है ना देखो ये इधर की साइड आएगा उसी के पीछे रखो जब वो वाली गाड़ी जा रही है किसी गाड़ी के पीछे रखो गाड़ी
देखना ना, कोई दिक्कत ना, बस ये क्रॉस हो जाओ भाई। इतनी धुंध कैसे हो गई यार एकदम से हमारे गुड़गांव में। पीछे से आवाज आई हमारे कटारे साहब की, कह रहा कसोल बन गया ये भाई, कसोल बन गया भाई, कसोल बन गया। मौज आ रही थी ना पीछे बैठ के, एक नंबर कंफर्टेबल सीट है। तो खरीद ले इस गाड़ी ने, बेच जाए अभी ले रहा हूँ कल कल। ठीक है चंदू भाई, सिस्टम क्लोथिंग के को फाउंडर, पैसा आ गया गणेश पे। ना ना भाई, भाई जिन जिन भाई को वो है कि कब आएगी गुड़ी भाई, आ जाएगी यार तुम्हारे लिए। तो मैं बढ़िया कपड़ा तैयार कर रहा हूँ, तुमने अभी चाहिए तो पुराने वाले कपड़े में 320 जीएसएम में अभी बेच सकता हूँ, बट मैं चारों 350 जीएसएम पड़ी है। वे भी नूना है के वे ना बनवाई थी, वे भी पड़ी है, पर हम चाह रहे हैं कि जिनको भी जावे भाई सारी एक जैसी जावे, बढ़िया क्वालिटी। हाँ ना, मतलब याद रखा कि भाई एलिस भाई ने कोई सामान दिया, कटारे भाई ने कोई सामान दिया, फिर तो हम खुद पैर लेंगे जो पहले वाली थी, पर तो अच्छा दिया, अच्छी भाई, आराम से रखना यहाँ पे तो चौड़ा रोड़ा। सो गाइस एयरपोर्ट पहुंच गए और फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू माय बडी, सेफ जर्नी भाई, मोदीली भाई जी, हैप्पी न्यू ईयर भाई सभी को। ठीक है भाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। निकल लिए भाई, निकल भाई, एयरपोर्ट पहुंच गए, बाहर अपना एयरपोर्ट रहा और एक गलती हो गई हमसे। गलती तो वैसे कटारे की हो गई थी, 26 साल पहले, घर वाले तो कोई बात नहीं, भाई सुनो ये लिया आया साला 5 घंटे पहले यहाँ पे, नु कह रहे भैया 2-3 घंटे पहले आया था भाई, मैंने कही थी आने की, क्यों आया भाई। स्टिल भाई हम यार जल्दी आ गए, छो चल रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, हमारी जो एयर इंडिया एक्सप्रेस तो जा रहे हैं वो भी ना खुला, अभी चेक ही नहीं। हम बैठे हैं कोस्टा कॉफ़ी के अंदर, वो खा रहे हो पनीर कुलचा और कोक, और धीरे धीरे खा रहे ताकि हमने उठाना दे यहाँ पे। तो भाई इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।